सीएम योगी आज गोरखपुर में आयोजित बीजेपी की संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद उन्होंने देश की जनता के विकास के लिए प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ काम किया। इसके परिणाम स्वरूप देश की जनता ने पीएम मोदी के आह्वान पर बीजेपी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि मोहरीपुर, संजाही, जंगल बहादुर अली और आसपास के क्षेत्र में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ ही यहाँ की 22 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार नहीं थी, तब एक गरीब को आवास के लिए, राशन कार्ड के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी कार्यों के लिए भटकना पड़ता था। 2014 में मोदी जी को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने देश की 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझ करके उनके विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ कार्य किया, उसी का परिणाम था कि देश की जनता जनार्दन बार बार उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। मोदी जी ने देश के तकदीर और तस्वीर दोनों बदली। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमा सुरक्षित हुई है, भारत के अंदर भी आज वैश्विक स्तर की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, एम्स बन रहे हैं, फर्टिलाइजर जैसे कारखानों का निर्माण हो रहा है, जनता की सुविधा के लिए गांव गांव को सड़क से, हर घर नल की योजना से, इन सभी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। तो इसके साथ ही शासन की मंशा के अनुरूप बिना भेदभाव के गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। पहले गरीब स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम तोड़ देता था, आज देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की हर साल स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के माध्यम से मिल रहा है। पहले गरीब के पास आवास नहीं होता था, वो झोपड़ी के नीचे जैसे तैसे गुजर बसर करता था, आज देश के अंदर 4 करोड़ और प्रदेश में 55 लाख गरीबों को एक एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल गया है। पहले गरीब के घर में शौचालय नहीं हुआ करता था, उसको जहां तहां जाना पड़ता था, नारी गरिमा के सामने प्रश्न खड़ा होता था, आज देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के और प्रदेश में 3 करोड़ गरीबों की फ्री में शौचालय बनाने के काम हुए। पहले गरीब के घर में भोजन बनाने के लिए ईंधन नहीं हुआ करता था, न रसोई गैस के सिलेंडर मिलते थे, न उसको केरोसिन मिल पाता था, न उसको कोयला मिल पाता था, न लकड़ी मिल पाती थी, बरसात में और भी खराब स्थिति होती थी। आज देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को और उत्तर प्रदेश में 1,75,00,000 गरीबों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर के कनेक्शन उपलब्ध हो गए और प्रदेश सरकार ने दीपावली और होली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर देने का भी संकल्प लिया है, जो हमने प्रारंभ कर दिया है। भैया बहनों, ये सब काम इसलिए जैसे गरीब के चेहरे पर खुशहाली आए, नौजवानों के लिए रोजगार सृजन हो सके, स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना, गांव में जहां गरीब निवास कर रहा है वहीं पर उसको मकान का मालिकाना अधिकार देंगे पीएम स्वामित्व योजना में, किसान के लिए पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ऐसी अनेक योजनाएं चल रही हैं जो आज हर गरीब के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रही हैं और इन योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में होने वाले परिवर्तन का परिणाम हम सब एक संकल्प के साथ आगे बढ़ सकेंगे। मोदी जी की गारंटी की वैन आपके पास आकर के इस संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। संझाई में मैं भी आ रहा था, सीसी मार्ग बन चुका है, जल निकासी की व्यवस्था हो चुकी है, नहीं तो हम आते थे कच्चे मार्ग से आना पड़ता था।
यह है विकास की योजना का लाभ। और हर गरीब को हमने इसीलिए नगर निगम के अंदर भी इसको जोड़ा है, जिससे यहाँ गरीब के मकान बन सके, कनेक्टिविटी ठीक हो सके, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो सके, पुल बन सके, बाढ़ से बचाव की व्यवस्था हो सके और पर्यटन की सुविधाओं का विकास होने के साथ साथ रोजगार का सृजन भी हो सके। ये डबल इंजन की सरकार सपने को साकार कर रही है और उसी सपने को साकार होने के साथ साथ आने वाले संकल्पों को भी हम मूर्त रूप में साकार होते हुए देख सकेंगे। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ आपके बीच आई है। आप सब इसका लाभ ले पाएंगे, इस विश्वास के साथ आप सबको मैं एक बार फिर से खिचड़ी मेला और आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम के अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए फिर वैसे बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।